हाय, क्या हाल? कहाँ थी? क्या हो रहा था? किचन में खाना बना रही थी। आज तो नमक देख के डाला है ना? कल की तरह अगर ज्यादा हो गया तो माँ फिर तुम्हें बातें सुनाएगी। वो मुझे बातें सुनाती हैं, तुम उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं हो? कम ऑन यार, तुम्हें पता है वो हाइपरटेंशन की पेशेंट है। सॉल्ट उनके लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी तुम उनकी बातों को सीरियस मत लिया। प्रॉब्लम ये है कि मैं डॉक्टर हूँ, हाइपरटेंशन सिम्टम्स और सांस सिम्टम्स में सही तरह फर्क कर सकती हूँ। शुरू हो गई तुम्हारी डॉक्टरी टर्सल। तुम मुझसे नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं करते? जब भी घर में होते हो, ये अपने लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन के पीछे छुपे क्यों रहते हो? मैं एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहा था। टेस्ट करवाया तो? प्लीज डोंट स्टार्ट दैट अगेन। क्या है ये? सेकेंड ओपिनियन के लिए एक नए लैब से मैंने अपने टेस्ट करवाए। आई एम परफेक्टली फाइन आमिर। आमिर, तुम्हें मेरी अज़ियत का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभियां, तुम्हारे खानदान की सारी चाचियां फूफियां एक ही सवाल करती रहती हैं कि बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। तुम खुद ही मुझे बताओ, मैं उनको क्या जवाब दूं? सारे सवाल सिर्फ तुमसे तो नहीं करते ना, 100 सवाल मुझसे भी करते हैं और मैं जवाब देता हूं उनका। मैं भी तुम्हारे साथ ही ये सब कुछ भुगत रहा हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है, एक औरत जो मां नहीं बन सकती, दूसरी औरतें उसको ताने दे देकर उसकी जिंदगी अजाब बना देती हैं। 4 साल से मैं ये ताने सुन रही हूं। मियां बीवी बनने से पहले एक दोस्त होते हैं। दोस्तों तुम्हारी यार, अपने दोस्त पर ट्रस्ट नहीं करोगे? प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ सर उठाकर चलती हूँ, पर तुम मुझसे नजरें क्यों चुराते रहते हो? एक सिंपल सा टेस्ट ही तो करवाने को कह रही हूँ। फॉल्ट तुम्हें नहीं है, मैं शायद कभी भी तुम्हें औलाद ना दे सकूं। तुम तो मां बन सकती हो लेकिन शायद कभी भी बाप नहीं बन सकती। लेकिन तुम मेरी बीवी हो, मेरी दोस्त, मेरा लिबास और मेरी रास्ता, इसलिए ये बात तुम कभी किसी से करोगी नहीं।